जी सर अभी तक के रिजल्ट के हिसाब से भाई जान हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहले नंबर पे हैं। लास्ट डे चल रहा है और लास्ट डेज है और अभी जो टारगेट है वो भी हमारा बाकी से थोड़ा सा कम है, तो हमें पहले बीच में थोड़ा टारगेट ज़्यादा था अभी कम है, तो लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। कल मैंने आप लोगों के सुपरवाइजर से भी डिस्कस किया था कि हमारा जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस कम है, एक दो पॉइंट का डिफरेंस है बाकी ब्रांचेस के साथ जो हमारे साथ साथ चल रही है, तो थोड़ा सा पीछे है। तो अगर एक भी दिन हम लोगों ने लूज़ किया है तो वो डिफरेंस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और वो आगे निकल जाएंगे, तो हमने लूज़ नहीं करना है। एक एक सेकेंड एक एक मिनट जो है वो हमारे लिए कीमती है, तो हमने लूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी किसी तरीके से। जिस तरीके से चल रहे हैं, जितनी मोटिवेशन से चल रहे हैं, इसको थोड़ा बढ़ाना है, कम नहीं करना है, तो फिर ही हमारा टारगेट अचीव होगा, क्योंकि मुकाबला है बहुत सख्त। लास्ट टाइम हमारा डिफरेंस ज़रा ज़्यादा था तो हम लोगों को टेंशन नहीं थी, अभी डिफरेंस है कम तो मुकाबला बहुत सख्त है, तो जब सख्त मुकाबला होता है तो सब जरा मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होती है और एक्स्ट्रा करनी होती है। तो अभी ये जो दिन है हमारे पास, माशाल्लाह से वीकेंड भी है, आज फ्राइडे सैटरडे संडे, ये तीन दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जितना मैक्सिमम आप लोग इसमें सेल कर सकते हैं वो सेल कर लें, क्योंकि कोशिश होगी लोगों की कि इस वीकेंड पे अपनी मैक्सिमम जो है वो शॉपिंग करें, उसके बाद फिर जानवर की तरफ जाएंगे लोग। तो ये तीन दिन है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, इन तीन दिन में जितनी मैक्सिमम आप लोग सेल कर सकते हैं अपनी सर्विस के थ्रू, बाकी चीज़ों के अपने जो है वो ग्रीटिंग्स के थ्रू और अपना जो स्टॉक है आपका डिस्प्ले, हर चीज़ अपनी ओके रखें, 100% रखें, मैक्सिमम सेल करें, तो हम पहले नंबर पे ही रहेंगे इंशाल्लाह और जीतेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा लूज किया तो गेम हाथ से चली जाएगी, तो इसलिए लूज नहीं करना है भाई, अपनी मोटिवेशन जो है वो हाई रखनी है इंशाल्लाह। जैसे अब्दुल्ला ने कहा ना, तो एक नंबर पे मैं अगर बात करूँ फ्राइडे सैटरडे और संडे वीकेंड के अंदर, अगर इसकी सेल देखी जाए ना कंपनी की, तो अदर ब्रांचेस जितनी भी है ना वीकेंड्स के अंदर बहुत अच्छी सेल करती है, हमारी ब्रांच वीकेंड के अंदर इतनी अच्छी सेल नहीं देती, मतलब हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी सेल है, लेकिन जितनी भी अदर ब्रांचेज हैं नॉर्थ और साउथ की वो बहुत अच्छे नंबर निकालती है और वीकेंड में उनकी परसेंटेज बहुत आगे चली जाती है। इस टाइम 5% से हम लोग आगे हैं अचीवमेंट के अंदर, हमारी 69% टोटल अचीवमेंट हो गई, अदर ब्रांच की तकरीबन 65 में, तो वीकेंड्स के अंदर उम्मीद है कि वो हमसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन जैसे अब्दुल्ला ने कहा है कि 1% भी लूज नहीं करना, इसका मतलब ये है कि कस्टमर आता है शॉपिंग करता है, अगर कुछ ऐसा होता है कि विदाउट बारकोड नीचे आ गया एक आइटम, कैशियर बारकोड लेने के लिए ऊपर गया, इतनी देर में कस्टमर वेट नहीं करेगा और चला जाएगा, ऐसे ही होता है ना बिल्कुल। तो कोशिश ये करें कि कोई आइटम ड्रॉप ना हो, कस्टमर सर्विस अच्छी दें, लूज कुछ भी नहीं करना। माशाल्लाह से 21 दिन है, एक दिन भी हम लोग पीछे नहीं हुए, और बाकी रिमेनिंग डेज हैं, इसको ऐसे ही लेके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये लीग हमारी इंशाल्लाह ये जीतना है इंशाल्लाह। इसके अलावा मैंने जैसे कहा था कि देखिए अगर आखिरी के दिन है शॉपिंग पे थोड़ा सा देखिए, अगर आप लोगों के स्टाफ है और 6 बजे के बाद मुझे शॉपिंग करता हुआ नजर ना आए किसी भी फ्लोर पे, किसी का अगर जानने वाला है, अक्सर ऐसा होता है किसी का कोई रिलेटिव आया हुआ है उसके साथ घूम रहा होता है, तो ऐसा कोई भी स्टाफ मुझे नजर ना आए, अगर कोई जानने वाला भी आया आप उसको रेफर कर दो, शॉपिंग करने दो, अगर डिस्काउंट है उसका तो आप बता दें एफएम को, आप अपना काम करते हैं, 6 बजे के बाद कोई भी अपने रिपोर्ट से नहीं है, क्लियर है। अच्छा जी, माशाल्लाह हमारा जिस तरह अब्दुल्ला ने जिस तरह बातें बताई है इस तरह ही है, इसलिए हमें जो है ना इसके साथ साथ एक टीम को याद रखना चाहिए, हमारी वेयर हाउस की टीम और वो तमाम लड़के जो वेयर हाउस में बैठ कर रिफिलिंग करते हैं, हाईली अप्रिशिएटेड, जिस तरह से ऊपर बैठ के गर्म उसमें जो है ना टेम्परेचर में बैठ के जो रिफिलिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए क्लैप कीजिए बहुत। हम दोबारा भी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं वेयर हाउस की टीम से भी और जो लड़के रिफिलिंग के लिए बैठे होते हैं अपनी स्पीड को सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि हमारे पास नीचे जो स्टॉक रिफिलिंग में जो है स्पीड से उतरे और उसको अपने नंबर को बूस्ट कर सके। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना दो लड़के हैं जो मैंने नॉमिनेट किए हैं, इसके साथ साथ जो ना दो लड़के मैं नॉमिनेट करूंगा, एक अब्दुल रहमान है लेडीज पैरों का सुपरवाइजर ग्रूमिंग के हवाले से और एक मिस्टर नुमान मेंस डायरेक्टर, प्लीज। हेलो
इसी तरह आप लोग अपना काम कीजिए इंशाल्लाह, और हमारा भी लास्ट वीक है, इसमें रिजल्ट्स नजर आने चाहिए और इंशाल्लाह कि हम ये लीग भी विन करेंगे। थैंक यू।